हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। क्या चल रहा है भाई साहब? टाइगर 3 तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मूवी अब बहुत बुरी तरीके से डेड हो चुकी है। डेड इट मींस ये कि डे बाय डे इसकी कलेक्शन अब स्लो आती दिख रही है। कल 9वां दिन था इस मूवी का और आज 10वां दिन है, और ये मूवी कोई इतनी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आज आते आते, मतलब वर्किंग डे चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम आते आते ये मूवी डबल डिजिट में कलेक्शन नहीं कर रही है, सिंगल डिजिट में इसके आंकड़े कल प्रॉपर वर्किंग डे पर देखने को मिला, मंडे, और आज भी देखने को मिल रहा है। तो अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे कंप्लीटली कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी कमाई अभी तक कर चुकी है, वर्ल्ड कप फाइनल का कैसा इस पर असर पड़ा है, उसके बाद वर्किंग डेज का कैसा असर पड़ रहा है, क्या गलत रहा है, क्या गलत नहीं रहा है, कितनी और कलेक्शन कर सकती है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अब ओपनिंग बहुत सॉलिड थी और पहले 3 दिन में ही टोटल नेट इंडिया से इस मूवी ने 148.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। पूरी दुनिया से पहले 3 ही दिन में इस मूवी ने 250 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल हो पाई थी। जब मूवी ने फर्स्ट वीक कंप्लीट किया था, पहले 7 दिन तो जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा था, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे में अच्छी खासी कमाई करते नजर आई थी। हुआ ये भी कि दिवाली के बाद भाई दूज का भी ओकेजन था, तो उस हिसाब से हॉलीडे भी थे, लेकिन संडे को जो फायदा इसे मिलना था उस टाइम पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, दैट्स वाई कि वहां पर इतना ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट वीक कंप्लीट करते करते इस मूवी ने 214 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से किया। नेट इंडिया से हो चुका था 220 करोड़ 25 लाख और ग्रॉस कलेक्शन 263 करोड़ आता दिखा था। इसी के साथ पूरी दुनिया से 348 करोड़ के आंकड़े को इजीली टच करने में सफल तो हो पाई थी अपने फर्स्ट वीक में, लेकिन उसके बाद रुझान बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहे थे। बात करें डे 8 की, यानी वर्ल्ड कप फाइनल था उस दिन और जबरदस्त रेड लगी है, मतलब सारी की सारी ऑडियंस स्टेडियम थी और बहुत लोग घर पे ही थे। एक बार के लिए देखने को लग रहा था कि 5.5 करोड़ से ऊपर लोग सिर्फ हॉटस्टार लाइव पर मैच देख रहे थे भाई साहब, तो बहुत अच्छा रुझान उस टाइम पर देखने को था। लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा ना टाइगर 3 के ना इंडिया वालों के, क्योंकि वर्ल्ड कप अपना था ये पूरा मान के चल चुके थे हम सभी लोग। बात करते हैं कि डेट में कैसी कमाई रही, बहुत रद्दी कमाई रही, 10.5 करोड़ ही आते दिखा नेट इंडिया से। मुद्दे की बात पर आते हैं कि कल डे 9 कैसा रहा है भाई साहब, क्योंकि चलो ठीक है वर्ल्ड कप भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, दिवाली के सारे हॉलीडे निकल गए, जहां भीड़ जानी थी, जहां जनता बिजी थी, वो सारे ओकेजन निकल गए, अब तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, अब तो सिंगल चल रहा है, अब कैसी कमाई आ रही है। तो कल वर्किंग डे था, ठीक है अच्छा खासा कलेक्शन तब भी देखने को मिल जाता है वर्किंग डेज में, बड़ी बड़ी मूवीज को डबल डिजिट में आंकड़े आते दिखे हैं, लाइक जवान के टाइम पर हम देख रहे थे 20-25-24 करोड़ आते दिख रहे थे वर्किंग डेज में भी, जब 15 से 20 दिन पर ये मूवी रनिंग चल रही थी थिएटर में, उसके बावजूद भी 20-22 करोड़ ऐसे आते नजारे दिख रहे थे। कल कैसा रहा है, 9 करोड़ आते दिखा है भाई साहब, सिंगल डिजिट में ये मूवी एंट्री कर चुकी है, बहुत बहुत बुरी हालत चल रही है। लगभग 12 से 13% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी कल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट के हिसाब से, तो बहुत बुरे हाल चल रहे हैं अभी मूवी के बहुत ही ज़्यादा। ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ पूरी दुनिया से 14 करोड़ आता दिखा है, और अब कलेक्शन उछाल नहीं मार पाएगा, बिल्कुल नहीं मार पाएगा। तो पहले 9 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी नेट इंडिया से कमा चुकी है 239 करोड़ 75 लाख और ग्रॉस कलेक्शन 287 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी 387 करोड़ के आंकड़े को इजली टच कर चुकी है। तो भाई साहब इस हिसाब की जो रुझान चल रहे हैं देखकर लग रहा है कि यार ये मूवी इजिली 500 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 1 दिसंबर से सैम बहादुर और एनिमल मूवी फट जानी है, और मात्र 9 से 10 दिन बाद ये मूवी क्या इतना कलेक्शन कर पाएगी, क्या 9-10 दिन में ही 100 करोड़ कर पाएगी, जो भी होगा आगे देखते हैं। बात करते हैं आज यानी डे 10 में कैसी ग्रोथ चल रही, तो आज भी ट्यूसडे वर्किंग डे है, आज भी इतना अच्छा कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, स्लो ही रहेगा। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की रह रही है मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10 से 11% की ऑक्यूपेंसी थिएटर हाउस में चल रही है। ओवरऑल देखने को लग रहा है कि आज ये मूवी नेट इंडिया से कल के मुकाबले 50 लाख कम कमाती नजर आ रही है, 8.5 करोड़ सिर्फ नेट इंडिया से, ग्रॉस कलेक्शन वही 12 करोड़ के आसपास सेम कल की तरह आता दिख रहा है, और पूरी दुनिया से ओवरसीज से भी कल की तरह ही आता दिख रहा है 13 से 14 करोड़ के आसपास। तो अब ये मूवी एंड ऑफ द डे तक टोटल कितनी कमाई कर लेगी, अगर 14 करोड़ आ जाता है आज भी तो भाई साहब 400 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार जाएगी, 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारेगी या नहीं मारेगी ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि भाई रुझान बहुत डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये मूवी 500 करोड़ भी टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जरूर बता दिया ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।